हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इन द सराउंडिंग। उसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल क्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक, मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिखूंगा और हर केस में हमको एक ही काम करना होगा कि प्लस कैपिटल क्यू में हमको फोर्स डिसाइड करना होगा कि प्लस कैपिटल क्यू में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो पहला केस शुरू करता हूँ। फर्स्ट केस, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड लेंथ ए। इस पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज है माइनस ऑफ स्मॉल क्यू और इस पे चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। हमको करना क्या है, हमको करना है कि इस प्लस कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के चलते, वो निकालना है। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ बाकी लोगों के लिए जिनसे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट और रिपेल। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, राइट। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये रहा रिपल्सिव फोर्स। और किसको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री, राइट। देखो, ये क्यू क्यू दो चार्ज हो गए, नेचर इसका नेगेटिव चार्ज का था, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट किया। ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, सेम नेचर का चार्ज हो गया, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, अगर इसके द्वारा लगने वाले फोर्स को मैं F बोलता हूँ और इसके द्वारा भी लगने वाले फोर्स को मैं F बोलता हूँ, तो यहाँ भी एक फोर्स F लगा और ये भी फोर्स F लगा। और F मैं किसको कह रहा हूँ, F बेसिकली मैं कह रहा हूँ स्मॉल q कैपिटल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन a का स्क्वायर। ठीक, इसी को मैं F बोल रहा हूँ। अब अपने को करने का है कि ये F और इस F को जोड़ना है, चूँकि दोनों फोर्स है और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी इसको ऐड करेंगे, हम कैसे ऐड करेंगे, वेक्टरली ऐड करना होगा। तो वेक्टरली ऐड करने के लिए हमने लास्ट क्लास में इसका अच्छे से सीखा था क्या करना होता है। सबसे पहले अपने को कार्टीजन प्लेन खींचना होगा, हम एक कार्टीजन प्लेन बनाएंगे। देखिए, मैंने कार्टीजन प्लेन बनाया। अब इस कार्टीजन प्लेन पर सबसे पहले एक वेक्टर इधर आ रहा है, देखिए एक वेक्टर ये आया, ये एफ। अगर इसको वेक्टर ए बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस एफ आई प्लस जीरो जे, क्योंकि इसी को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और ये वाला मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो ये निगेटिव एक्स में है, तो निगेटिव एक्स के चलते यहाँ पे कैसा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक, दूसरा वाला वेक्टर, दूसरा वाले वेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये रहा दूसरा वेक्टर और ये भी रहा एफ, और ये वाला एंगल देखो, ये 90, तो ये वाला कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री, राइट। देखो, F का कंपोनेंट टूटेगा, एक तो इसके अलॉन्ग टूटेगा और ये वाला कंपोनेंट होगा F cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और ये होगा F sin 30 डिग्री। जिसके साथ एंगल होता है cos का कंपोनेंट होता है, दूर वाला sin का कंपोनेंट होता है, राइट। F cos 30, cos 30 होता है बेटा रूट 3/2, तो ये वाला हो जाएगा बेटा F रूट 3/2, और साइन थर्टी वैल्यू 1/2, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ तो ये आएगी f/2, करेक्ट। अब वेक्टर b को लिखते हैं, वेक्टर b मेरा हो गया, वेक्टर b, ये वेक्टर b, x एक्सिस के अलॉन्ग कितना है बेटा, f/2, तो लिखेंगे f/2 i प्लस की माइनस, बेटा माइनस नॉट प्लस। माइनस क्यों, क्योंकि ये निगेटिव वाई में है, तो ये प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा, ये होगा माइनस, और यहाँ पे होगा बेटा एफ रूट 3/2 जे, करेक्ट। अब दोनों क्या करना है,
जोड़ देना है, दोनों वेक्टर को हमको जोड़ देना है ड्यू वेक्टर लॉ से। तो दोनों वेक्टर को अगर जोड़ देंगे तो देखो बेटा क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनने वाला है, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा माइनस ऑफ एफ बाई टू आई माइनस एफ रूट थ्री बाई टू जे कम्प्लीट। ठीक, ये रिजल्टेंट का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक, अब तुमको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, दोनों का निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यार, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर कैसे निकालेंगे, अगर मॉड ऑफ आर की बात करोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट माइनस एफ बाई टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस एफ रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, करेक्ट। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये वाला हुआ आपका अंडर रूट में ही एफ स्क्वायर बाई फोर प्लस थ्री एफ स्क्वायर बाई फोर, करेक्ट। और इसको तुमने सॉल्व किया तो ये बना अंडर रूट में फोर एफ स्क्वायर बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया और मॉड ऑफ आर किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ आर आ गया एफ के बराबर, कंप्लीट। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और एफ आपको पता है, एफ मैंने पहले ही बताया था, एफ किसके बराबर है, क्यू क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन इनटू ए स्क्वायर, करेक्ट। ये तो एफ के बराबर आ गया। अभी भी एक काम बाकी है, कौन सा काम बाकी है, अपने को मैग्नीट्यूड तो पता है, अभी भी डायरेक्शन नहीं पता मैं कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स हुआ। तो देखो रिजल्टेंट के कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए, पहला वेक्टर कह रहा है माइनस एफ बाई टू, तो पहला वेक्टर माइनस एफ बाई टू कह रहा है तो अपने को रिजल्टेंट का डायरेक्शन में ध्यान देना है। तो पहला वेक्टर माइनस एफ बाई टू, तो देखिए बेटा ये हुआ एफ बाई टू, माइनस का साइन क्या था, निगेटिव एक्स में। ठीक, अब इसके हेड पे दूसरे का टेल रखिए और ये देखिए माइनस के साथ जे लिखा हुआ है, मतलब नीचे जाना है हमने को, और ये कितना बेटा एफ रूट थ्री बाई टू, और इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ज्वाइन करना है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड स्ट्रेट लाइन इसे ज्वाइन करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी, यही की वैल्यू निकालेंगे तो आती है एफ, लेकिन अपने को डायरेक्शन से मतलब था। देखो डायरेक्शन ये कौन सा है, ये हो गया वेस्ट, ये कौन सा है साउथ, और ये वाला एंगल है, तो ये एंगल हो गया साउथ ऑफ वेस्ट, एंगल वेस्ट से साउथ बना है। और एंगल निकाल लेते हैं, अगर इसको अल्फा बोलोगे बेटा तो टैन अल्फा किसके बराबर आएगा, टैन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर कितना है वो एफ रूट थ्री बाई टू होल डिवाइडेड बाई एफ बाई टू, इस टू से ये टू कैंसिल आउट, ये एफ से एफ कैंसिल आउट, टैन अल्फा किसके बराबर आया रूट थ्री, मतलब अल्फा किसके बराबर आया 60 डिग्री। तो फाइनल आंसर कितना लिखोगे, फाइनल आंसर लिखोगे कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर इन अ डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, एंगल वेस्ट से साउथ की तरफ बन रहा है, करेक्ट, क्लियर है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा आराम से हमसे पूछ लेगा, कमेंट बॉक्स में आराम से बता दूंगा मैं उसको, वो चाहे तो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। चलिए तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर टू, ये भी साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, इस पे चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू और इस वाले पे चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है,
फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ प्लस कैपिटल क्यू, करेक्ट? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए मैं भी कर देता हूँ साथ में, जिनका आएगा बेटा वो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करेंगे, जिनको नहीं आ रहा है मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा तब बेखूबी इसको मिलाइएगा अपने सवाल से, करेक्ट। चलिए तो देखो यार, हम लोग करते हैं, ये माइनस क्यू इस प्लस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मेरे को समझ में आ रहा है अट्रैक्टिव, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होने वाला है, करेक्ट। अब देखो यार, ये प्लस कैपिटल क्यू इस प्लस कैपिटल पे क्या लगाया फोर्स? रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। ये प्लस कैपिटल क्यू इस प्लस कैपिटल क्यू पे क्या लगाएगा? सॉरी, ये प्लस स्मॉल क्यू इस प्लस कैपिटल क्यू पे कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव इन नेचर। तो कुल मिला के इस पे तीन फोर्स लगे, यहां फोर्स एफ, ठीक है, ये भी फोर्स लगा मेरा एफ, ठीक, और तीसरा फोर्स ये भी लगा F, और F बेसिकली है किसके बराबर? F तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरा F है, ये F मेरा है स्मॉल q कैपिटल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर के बराबर है, ठीक। और अपने को तीन वेक्टर को जोड़ना है, ठीक। वो तीनों वेक्टर कैसे कैसे हैं? एक वेक्टर है ऐसे, दूसरा वेक्टर है ऐसे, और तीसरा है ऐसे, करेक्ट। ये भी F, ये भी F और ये भी F, करेक्ट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर इस लाइन को ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रोसीड करो और ये एंगल बेटा कितना है, ये एंगल होगा 60 डिग्री और ये भी एंगल हो गया बेटा 60 डिग्री, करेक्ट। अब तीनों वेक्टर को अपने को क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक। देखते हैं कैसे जोड़ना होता है। हम क्या करेंगे? कार्टिजन प्लेन बनाएंगे। पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार हम तो यही करते थे, कार्टिजन प्लेन बनाते थे और कार्टिजन प्लेन में अपने वेक्टर को, कंपोनेंट को तोड़ लेते थे, ठीक। पहला वेक्टर ये वाला, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये रहा F और ये एंगल हो गया 60 डिग्री, करेक्ट। ये F था, F का एक कॉम्पोनेंट इधर टूटा, जिसके साथ एंगल होता, कौन सा कॉम्पोनेंट होता? कॉस का, तो ये हो गया एफ कॉस 60 और ये हो गया बेटा एफ साइन 60। ये दो कंपोनेंट टूट गया, करेक्ट। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई f बाई टू, और sin 60 √3/2, तो इसकी वैल्यू हो गई f √3/2, करेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये कैसे कंपोनेंट टूटा, ठीक। हम साथ में इसको लिखते भी चलते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर, यहाँ लिखते हैं वेक्टर a। वेक्टर a कितना टूटा भाई? F बाई टू आई प्लस F √3/2 जे, करेक्ट करेक्ट। हमने वेक्टर को तोड़ लिया। दूसरा वेक्टर यहाँ है, इसको भी यहाँ कंपोनेंट बनाओ और देखो ऐसे, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। मैंने क्या सिखाया? जिसके साथ एंगल होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस का कंपोनेंट होता है, दूर वाला साइन का। तो ये वाला इस बार कंपोनेंट बनने वाला है एफ कॉस 60 और ये वाला एफ साइन 60, और एफ कॉस 60 की वैल्यू आपको एज यूजुअल पता है कितना आता है? एफ बाई टू। तो वेक्टर बी, वेक्टर बी को कितना लिखोगे बेटा? पहले इसको लिखोगे, कितना आएगा वैल्यू? एफ बाई टू आई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू आएगी एफ बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एफ √3/2। और ये देखो निगेटिव वाई में है, निगेटिव वाई के लिए क्या साइन लगाओगे? प्लस के माइनस? लास्ट क्लास में हम लोग, लास्ट सवाल में हम लोग किए थे, माइनस साइन के साथ ये लिखोगे एफ √3/2 जे, करेक्ट। अब बच गया ये वाला वेक्टर, तीसरा वेक्टर। और तीसरा वेक्टर बहुत ध्यान से देखो, तीसरा वेक्टर को अगर डायग्राम मैं यहाँ खींचने की कोशिश करता हूँ, तो तीसरा तो यही है, ये वाला वेक्टर, देखिए ये तीसरा इधर जा रहा है। तो अगर तो वेक्टर सी को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर सी मेरा सीधा सीधा लिखा जा सकता है माइनस एफ आई प्लस
जीरो जे, जीरो जे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाई में नहीं है, केवल एक्स में है, वो भी निगेटिव में, इसलिए माइनस एफ आई प्लस जीरो जे। तीनों को जोड़ो, ये तीनों बनेगा रिजल्टेंट। देखो एफ बाई टू एफ बाई टू एफ और माइनस एफ, ये होगा जीरो आई, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस जीरो जे, जीरो आई प्लस जीरो जे। इसका मतलब कितना हुआ, नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स जीरो, करेक्ट। ये भी फोर्स एफ था, पक्का। अपने अपने आंसर को मिला लीजिए, उम्मीद है मैक्सिमम का सही आना चाहिए था, उसके बाद भी गलत है कोई बात नहीं, अगले सवाल में ज़रूर से सही होगा, ये मेरा भरोसा है आप पे कि आप अच्छा कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे तो अच्छा करेंगे। इस बात से कभी मत घबराइएगा कि आपने 11th में क्या किया, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 12th का अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये जितना मैं जानता हूँ कम से कम उतना तो आपको सिखा ही दूँ कि 12th स्टैंडर्ड के जितने सवाल हों आप आराम से कर सकें। और अगर आप समय देंगे मेरे चैनल के साथ तो आपको 11th के भी वीडियो इस पर मिलेंगे और 11th के कॉन्सेप्ट को भी आप टाइम से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, चलिए मैं तीसरा सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, मान लीजिए कि कोई एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, ये कोई स्क्वायर था और यहाँ पे जो चार्ज है ये है प्लस में टू रूट टू क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू और यहाँ पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू और इस पे चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। आपको पता है क्या करना है, हमको प्लस कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और ख़ुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आपका हो जाए तो वीडियो को फिर से प्ले करिएगा और अपने आंसर को मिलाइएगा कि मैं कैसे एक एक स्टेप के साथ कर रहा हूँ, आप ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोर्ड्स में आएंगे तो आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ता है क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है, रीजन क्लियर। चलिए देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला माइनस क्यू इस वाले प्लस कैपिटल क्यू पे, ये वाला माइनस स्मॉल क्यू इस वाले प्लस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इस वाले फोर्स पे लगाएगा अट्रैक्टिव, ये फोर्स हो गया एफ, करेक्ट। ये वाला प्लस क्यू इस प्लस कैपिटल क्यू पे एक फोर्स लगाएगा, कैसा, रिपल्सिव, करेक्ट। ये एफ और ये एफ, किसको किसको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला कितना होगा भैया, ये वाला डिस्टेंस हमको समझ में आ रहा है कि ये तो डिस्टेंस होगा ए रूट टू, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर है और ये होगा ए रूट टू के बराबर, और ये यहाँ जो फोर्स लगने वाला है ये भी रिपल्सिव इन नेचर होगा और ये फोर्स होगा एफ डैश। क्यों एफ डैश बोल रहा हूँ उसका भी रीजन समझा रहा हूँ, मैं एफ किसको बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे लिए एफ है यार, मेरे लिए जो एफ है मेरा ये एफ है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर, ये तो मेरा एफ था, ठीक। और मेरे लिए एफ डैश मेरा कितना है, एफ डैश है मेरा 2 रूट 2 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस होगा ए रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना होगा, ए रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, मैं तो एफ डैश के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा 2 रूट 2 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ए रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना है बेटा, ए रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू 2, करेक्ट। और ये देखिए ये 2 से ये 2 तो बाकायदे कट गया, और ये वाला हम लिख सकते हैं इसको रूट 2 टाइम्स स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर, और इसी वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारी, इस वैल्यू को ही हम बोले थे एफ, तो ये वाली तो रूट टू एफ के बराबर हो गई थी, एफ डैश में एक रिलेशन निकल गया, एफ डैश कितने के बराबर हो गया, रूट टू एफ के बराबर हो गया, करेक्ट, पक्का। चलिए तो
अब अपने को समझना ये है कि कितना फोर्स लगा। एक फोर्स इधर लगा था, एक फोर्स इधर लगा था, ये कितना था F। एक फोर्स इधर लगा था, ये भी फोर्स था F। और एक फोर्स इधर आया और ये कितना आया था रूट टू टाइम्स ऑफ F, रूट टू टाइम्स ऑफ F। ये मैंने पीछे वाले सेक्शन में आपको करके दिखाया था, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला एंगल मेरे से कोई अगर कोई पूछेगा, ये वाला एंगल, मैं पुरानी वीडियो को थोड़ा सा पुराने पेपर को आपको दिखाता हूँ वापस। ये देखिए, यही पेपर था अपना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर देखो बेटा, तो ये तो डायगोनल था, और डायगोनल के देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये हो गया 45 डिग्री, करेक्ट। अब अपने को इस फोर्स को रिजॉल्व करना है, वो भी कैसे रिजॉल्व करना है, वेक्टरली, ठीक है। तो मैं वेक्टरली इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा कार्टिजन प्लेन यहीं बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब आपका ग्रिप बन चुका है इसके साथ कार्टिजन प्लेन का। तो मैं इस वाले रूट टू एफ का कॉम्पोनेंट तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो इधर ही है, एक तो इधर ही है। देखो कार्टिजन प्लेन एक मेरा इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। इस रूट टू एफ का कॉम्पोनेंट तोड़ो, देखो इसके साथ एंगल है और इसके साथ भी एंगल, दोनों एंगल, ये एंगल 45, तो इसके साथ कॉम्पोनेंट टूटेगा कौन सा, पहले एक एक करके लिख लेते हैं, चलो कन्फ्यूज नहीं होगा। वेक्टर ए, वेक्टर ए मैं इस वाले को पहले लिख रहा हूँ, तो ये क्या लिखेंगे बेटा, माइनस एफ आई प्लस जीरो जे, करेक्ट। ये दूसरा वाला वेक्टर, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या लिखेंगे बेटा, जीरो आई माइनस एफ जे, करेक्ट। और तीसरा वाला, इसका कॉम्पोनेंट तोड़ना चाह रहा हूँ मैं, इस टू रूट एफ का हम कॉम्पोनेंट तोड़ना चाह रहे हैं। इसका दो कॉम्पोनेंट टूटेगा, एक इधर वाला कॉम्पोनेंट होगा, ये होगा रूट टू एफ इंटू कॉस, कॉस की साइन, ये हो जाएगा साइन, सॉरी साइन 45। और ये एक कॉम्पोनेंट इधर टूटेगा, ये होगा एफ रूट टू इंटू कॉस 45। और साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसकी वैल्यू आने वाली है f और इसकी वैल्यू आने वाली है f, क्योंकि रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा और f बचेगा। तो वेक्टर c, मेरा वेक्टर c बनेगा यहाँ पे, वेक्टर c हो गया मेरे लिए कितना यार, वेक्टर c बनेगा f i और माइनस f j, करेक्ट। अब क्या करना होगा, इसको जोड़ देना होगा, तो जोड़ देते हैं। देखो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट होगा, रिजल्टेंट कितना आया, जीरो आई माइनस टू एफ जे, मतलब नेट फोर्स कितना किधर लगा, बोलेंगे नेट फोर्स लगा कितना टू एफ, नेट फोर्स कितना लगा इधर टू एफ, ये क्या हो गया मेरा नेट फोर्स, मतलब 2f मतलब कितना, 2 इंटू स्मॉल q कैपिटल q अपॉन 4πε a² किधर, ड्यू साउथ, ड्यू साउथ, करेक्ट। आई होप आपका सही होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन बचता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जितना आप सवाल करेंगे बेटा फिजिक्स में, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार जब भी आपको बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करिए और ख़ुद से करने की कोशिश करिए, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है मेरे लिए इस बात के लिए कि ध्यान रखिएगा, आप जब तक वीडियो को पॉज करके खुद से नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलत हो जाने दीजिए, गलत होगा तब तो आप सीख पाएंगे, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फिर से एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। और मान लो यहाँ पे है प्लस कैपिटल क्यू और यहाँ पे है माइनस टू क्यू और यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू और यहाँ पे भी प्लस स्मॉल क्यू, सभी साइड का लेंथ ए है और आपको क्या निकालना है,
नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। नेट फोर्स ऑन अ प्लस कैपिटल क्यू आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे नेट फोर्स निकाला जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से मिलाइएगा। देखिए मैं इस प्लस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाना निकालना चाहता हूँ, ये रहा मेरे लिए प्लस कैपिटल क्यू, ये पॉइंट, ये वाला प्लस चार्ज इस वाले प्लस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट और रिपेल, ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेगा इधर। ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, देखिए ऐसे। और ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो देखो ये अट्रैक्ट किया, ठीक। इस वाले को मैं एफ बोलूँगा, इस वाले को एफ बोलूँगा, तो इसको बोलूँगा एफ डैश। क्यों एफ डैश बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एफ क्या है, मेरे लिए मेरा एफ है, एफ क्या है मेरे लिए, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर, इसको मैं एफ बोल रहा हूँ। और एफ डैश किसके बराबर है, मेरे लिए एफ डैश है टू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर, करेक्ट। और किसको समझ में आ रहा है कि सर ये तो 2f के बराबर है, f डैश मेरा किसके बराबर आ गया, 2f के बराबर आ गया, करेक्ट। तो f डैश मेरा किसके बराबर आ गया, 2f के बराबर आ गया, करेक्ट। अब अपने को क्या करना है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है और सबको जोड़ देना है, ठीक। तो मैं आपको जोड़ने की कोशिश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यहीं पे कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए अपना, आप उतनी अंडरस्टैंडिंग अब रख रहे हो, इसको आराम से सीख लोगे, ठीक है। तो देखो किसको समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल होगा बेटा 60 डिग्री, करेक्ट, ठीक। और ये वाला भी एंगल, नीचे वाला भी एंगल कितना होने वाला है, नीचे वाला भी एंगल मेरा होने वाला है 60 डिग्री, करेक्ट। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का कंपोनेंट तोड़ता हूँ, ये वाला एक वेक्टर, वेक्टर ए, इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, कितना f cos 60, और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा f sin 60, f cos 60 f by 2, तो ये क्या बना बेटा f by 2, और डायरेक्शन क्या लगाएंगे i, और f sin 60 रूट 3 by 2, तो प्लस साइन लगा के क्या लिखेंगे f रूट 3 by 2, करेक्ट। और साथ में क्या j, ये वेक्टर, एक वेक्टर का कंपोनेंट टूट गया, मैं इस दूसरे वेक्टर को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक। इसको मैं बी वेक्टर बोल रहा हूँ, इसका भी एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, करेक्ट, और ये भी होगा एफ कॉस 60, और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, और ये होगा एफ साइन 60, और एफ कॉस 60 मतलब एफ बाई टू आई, और ये माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि निगेटिव आई में नीचे की तरफ आ जा रहा है, इसलिए माइनस साइन लगा रहे हैं, तो ये होगा माइनस एफ रूट थ्री बाई टू जे, करेक्ट। और ये रहा मेरा तीसरा वाला वेक्टर, ठीक। तो तीसरा वेक्टर भी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, थर्ड वाला वेक्टर, ये वाला, ये वेक्टर सी मेरे लिए, तो वेक्टर सी कितना होगा बेटा, माइनस टू एफ आई प्लस जीरो जे, करेक्ट। अब इसको क्या करना होगा, अपने को जोड़ देना होगा, इसको प्यार से ऐसे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए जोड़ के ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, और f बाई टू और f बाई टू, f हुआ और माइनस टू एफ, कुल मिला के रिजल्टेंट जो बना वो किसको समझ में आ रहा है कि सर रिजल्टेंट तो बन रहा है माइनस ऑफ f i प्लस जीरो j, करेक्ट, माइनस f i प्लस जीरो j, क्लियर है। मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स आया इस डायरेक्शन में कितना, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर ड्यू वेस्ट, करेक्ट। आई होप समझ गए होंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, कैसे करना है इन सवालों को, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
आगे आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन ऐसे लिख कर दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, आपको प्लस कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, ये एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल दिया हुआ है कि डायगोनल की लेंथ 2a है और इसके सेंटर पे दोनों डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पर प्लस कैपिटल क्यू रखा हुआ है और उस पर आपको क्या निकालना है, फोर्स, करेक्ट। और इस वाले में एक लाइन है, लाइन में एक जगह माइनस क्यू है, उसके सेंटर में प्लस कैपिटल प्लस स्मॉल क्यू और सबसे एंड में प्लस कैपिटल क्यू है और इनके बीच का सेपरेशन ए और ए है, तो प्लस कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालना है, करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए बाकी के लिए मैं करता हूँ ताकि आप अपना आंसर इससे मिला सकें, करेक्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं एक बार और डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा एक स्क्वायर जिसका डायगोनल 2a है। इस किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे। मतलब जो यहाँ सेंटर से लेकर किसी कॉर्नर तक की दूरी होगी वो कितने के बराबर होगी, a के बराबर होगी, क्लियर। ये रहा सेंटर और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। देखते हैं क्या होगा, ये वाला माइनस क्यू इस वाले प्लस क्यू पे, ध्यान रखिएगा, ये वाला माइनस क्यू इस वाले प्लस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगा अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये वाला जो फोर्स होने वाला है एफ इस माइनस क्यू के चलते है, क्लियर है, किस पे, प्लस कैपिटल क्यू पे। बीच वाले पे क्या है बेटा, यहाँ पे अपना प्लस कैपिटल क्यू मेंटेन करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला प्लस स्मॉल क्यू इस वाले कैपिटल क्यू पे एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव इन नेचर, क्योंकि प्लस और प्लस इसको रिपेल करेगा, तो ये भी फोर्स लगाएगा एफ। मैं कलर का अलग अलग यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तीसरा चीज़ समझते हैं, ठीक, कि एक यहाँ पे एक माइनस क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक माइनस क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो एक माइनस क्यू यहाँ भी मेंटेन करिए, एक माइनस क्यू, और इस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव इन नेचर, और ये भी फोर्स होगा एफ, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लस क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ का प्लस क्यू भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा रिपल्सिव इन नेचर एफ। और मेरा एफ किसके बराबर है, एफ है मेरा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε ए स्क्वायर, ठीक, एफ इसी के मैग्नीट्यूड। तो कुल मिला के देखो, इधर की तरफ फोर्स लगा 2f, इधर की तरफ फोर्स लगा 2f, मतलब अपने को दो फोर्स को जोड़ना है और दोनों किसके किसके बराबर है, 2f के बराबर है। तो एक फोर्स इधर है और ये किसके बराबर है, 2f, और एक फोर्स इधर है और ये भी किसके बराबर है, 2f, और इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अपने को इसी को जोड़ना है, ठीक, करना क्या चाहिए, वही अपना पुराना नियम लगाते हैं, इसका कार्टीजन प्लेन बनाते हैं और दोनों को जोड़ तोड़ के जोड़ देते हैं, कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। दोनों को तोड़ के जोड़ देंगे और आराम से ये दोनों जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो पहला फोर्स ध्यान दीजिए ऐसे है, तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं चाहे तो अपना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी लगा सकते हो, तो इसमें आसानी से आ जाता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना चाहो, मैं पुराना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको सिखाया था, एक के हेड पे दूसरे का टेल पुट करो और इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ज्वाइन करो, उससे भी कर लो, ठीक है। चाहे उससे ना करना चाहो तो ऐसे भी करना कर लो, मैं बता देता हूँ। देखो मैं इनिशियल टेल टू फाइनल हेड वाले तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप कॉम्पोनेंट वाले से करना, मैं एक बार उससे भी आपको कर दूँ, वो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। ये रहा पहला वेक्टर 2f, ठीक, चाहे छोड़ो मैं कंपोनेंट से करूँगा, कंफ्यूज हो जाओगे सब, मैं नॉर्मल तरीके से कर देता हूँ, अपना कार्टीजियन प्लेन बना के, ये मेरा कार्टीजियन प्लेन होगा, ये हो गया 2f और ये वाला एंगल हो गया बेटा 45 डिग्री, करेक्ट। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री,
और दूसरा वाला वेक्टर इधर गया है, दूसरा वाला इधर गया हुआ है, ये भी है 2f और ये भी एंगल है 45, ये एंगल भी 45 और नीचे वाला भी एंगल आया था 45 डिग्री। ठीक, कंपोनेंट तोड़ते हैं। वेक्टर ए, अगर इस वाले को वेक्टर ए बोल रहे हैं तो देखिए बेटा वेक्टर ए क्या होगा, एक कंपोनेंट एक्स में, निगेटिव एक्स में, एक पॉजिटिव वाई में, तो कितना होगा वेक्टर ए का कंपोनेंट टूटेगा कैसे, 2f cos 45 डिग्री विथ माइनस साइन I में प्लस 2f sin 45 डिग्री J में, करेक्ट। और वेक्टर B, वेक्टर B देखिए बेटा, ये वाला वेक्टर B है, इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा तो ये टूटेगा माइनस 2f cos 45 डिग्री I में, और एक इधर टूटेगा माइनस 2f sin 45 डिग्री J में। अब देखो इसको जोड़ो, जोड़ोगे तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो रिजल्टेंट बन के आया, ये रिजल्टेंट कितना आया, माइनस 2 और 2 4f इंटू क्या, cos 45 डिग्री, करेक्ट। और I, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, मतलब ये कितना होगा माइनस 4f इंटू 1/√2, और ये डायरेक्शन क्या होगा I में, रूट टू से ये गया कितनी बार में, ये होगा 2√2 बार में, 2√2 कैंसिल आउट करेंगे तो कुल मिला के आएगा माइनस 2√2 f ड्यू वेस्ट, वेस्ट बताएंगे तो ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 2√2 f ड्यू वेस्ट, वेयर f इज, f किसके बराबर है, इसके बराबर है 2√2 f ड्यू वेस्ट। आई होप कर लिए होगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, जो इस पैटर्न में अगर आखिरी सवाल होगा, फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ इंटर करूँगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है भाई, प्लस कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालना है, ये रहा मेरा प्लस कैपिटल क्यू, इस वाले के चलते इस वाले पे जो भी फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है, और इस वाले के चलते इस वाले पे जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, करेक्ट। इधर जो मान लो इसको फोर्स बोलो तुम F2, और इस वाले फोर्स को बोलो F1। क्यों F1 F2 यार, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, जब सेपरेशन अलग अलग हो गया तो फोर्स कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो F1, अगर मैं F1 को कैलकुलेट करना चाहूँ तो F1 किसके बराबर आएगा, स्मॉल q कैपिटल q अपॉन 4πε a2, ठीक है, और F2, F2 किसके बराबर आने वाला है, F2 आने वाला है स्मॉल q कैपिटल q, करेक्ट, अपॉन 4πε, और डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 2a का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा स्मॉल q कैपिटल q अपॉन 4πε a स्क्वायर और इंटू 4। ध्यान से देखिए, अगर इस वाले फोर्स को मैं F बोलूँगा तो इस वाले फोर्स को F बाई 4 बोलूँगा, करेक्ट। तो देखो एक फोर्स लग रहा है इधर F, और इसके जस्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर फोर्स लग रहा है F बाई 4, मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स मतलब जब बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को घट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा F माइनस F बाई 4, मतलब 3F बाई 4, वेयर F इज, F इसके बराबर, ये रहा मेरा F, तो 3F बाई 4 ये रहा ड्यू
ईस्ट, करेक्ट, ये हुआ ड्यू ईस्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, करेक्ट। चलिए,